शिक्षक दिवस के मौके पर समाहरणालय स्थित मुख्तार खाना में शिक्षक दिवस मनाकर एक नई परंपरा की शुरुआत की गई। सर्वप्रथम अधिवक्ताओं ने पूर्व राष्ट्रपति सह शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैलचित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर वर्षों से सरकारी पीपी रहे मोहम्मद बद्दी जमा एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश तिवारी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ताओं का काम भी एक शिक्षक की तरह ही है, चाहे जूनियर अधिवक्ता हो या मुवक्किल या फिर समाज, सभी को शिक्षा देने का ही काम करते हैं। वहीं अधिवक्ताओं ने अगले साल इसे बृहद पैमाने पर मनाने का फैसला लिया है। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। पहली बार बार एसोसिएशन के कुछ हमारे दोस्तों ने जो ये शुरुआत किया है, ये उनको मुबारकबाद देते हैं। सबसे पहले ये नेशनल प्रोग्राम है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन बार एसोसिएशन के कुछ अधिवक्ताओं ने जो ये सोचा, उसकी सोच को मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने शिक्षक का डिफिनेशन दे दिया आज कि शिक्षक का मतलब क्या होता है, गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु सिर्फ स्कूल ही में नहीं होते हैं, यहाँ भी गुरु हैं। यहाँ अगर आप अध्यक्ष तिवारी से हम कुछ सीखते हैं तो वो हमारे गुरु हैं। मीडिया पर्सन्स को कि आप लोगों ने काफ़ी रुचि दिखलाया और इस सहयोग के लिए ये अधिवक्ता संघ आपका आभारी रहेगा कि जो शिक्षक दिवस में आपने जितना सक्रियता से भागीदारी अपन दिया है, उसके लिए मैं पहले आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। पुनः ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षक दिवस एक परंपरा के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ मनाया जाता है। सब लोग को मालूम है डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जैसे हमारे वक्ताओं ने अभी कहा कि शिक्षक दिवस जो है सिर्फ जो स्कूल में इंस्टीट्यूशंस में कोचिंग से वो शिक्षक नहीं है, जैसा हमारे सुमन जी ने कहा, शिक्षक हमारे हर क्षेत्र में जिस तरह का कोई काम अच्छी काम करता है, समाज को जोड़ने का काम करता है, समाज को बढ़ाने का काम करता है, समाज को सुदृढ़ करने का काम करता है, इस तरह जो प्रेरित करते हैं लोग, वो सभी शिक्षक हैं। इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साथी, आज बहुत अच्छी परंपरा का शुरुआत गुरु बाबू ने किया है और गुरु बाबू का भक्तन भी है। इस सामाजिक कार्यों में भक्तन भी और गुरु जी का इतिहास रहा है। जब वो डॉक्टरेट नहीं ली थे तो भी सामाजिक कार्यों में अनुरुचि रखना, समाज को गति देना, सरकार समाज को सही दिशा निर्देश देना, इन्होंने पुण्य भी किया है और आज ये कर रहे हैं, इसलिए पहले ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं। दिवस का ये मतलब नहीं होता है कि जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं सिर्फ वो ही शिक्षक, बल्कि हम लोग ये भी सब शिक्षक हैं। जितने हम लोग वकील हैं वो सारे लोग भी दिन रात पढ़ाने का ही काम करते हैं। जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो जज साहब को पढ़ा के बतलाते हैं, जज साहब भी हम लोग को पढ़ के बतलाते हैं, जजमेंट दे के बतलाते हैं। यानी ज्ञान का भंडार कहीं भी आपको उपलब्ध हो जाएगा और उसी ज्ञान के भंडार को उपलब्ध करने के लिए हम लोग आज एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं कि शिक्षक माने केवल शिक्षक नहीं, बल्कि समाज का वो व्यक्ति जो समाज में चेतना, समाज में नई जागृति, समाज में नई स्फूर्ति, समाज को सुधारने का काम करता है। ये बहुत ही आज अच्छा लगा क्योंकि हम अस्वस्थ थे, ये पंचायत की वजह से बैग खून गया, तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि बार एसोसिएशन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक नई परंपरा के शुरुआत की है। ये पहली मतवा हुआ और शिक्षक का वाकई डिफिनेशन इन्होंने सही दिया। शिक्षक का मतलब गुरु क्या होता है? अगर अवधेश बाबू अपने जूनियर को 100 जूनियर को सिखा रहे हैं वो भी गुरु है। अवसर पर कोई कार्यक्रम का आयोजन अधिवक्ताओं की ओर से नहीं होता था, तो हमने सामने दोनों ने निर्णय कल बैठ के बात किया, क्यों नहीं हम लोग भी एक परंपरा की शुरुआत करें और अपने जो सीनियर लाइब्रेरी में हैं हमारे अध्यक्ष ऑलरेडी हम लोग के अभिभावक हैं, बहुत कुछ सीखते हैं उनसे,
और हमारे सीनियर हैं उनको बुला करके क्यों नहीं हम लोग छोटे स्तर पर ही सही पहले एक कार्यक्रम की शुरुआत तो कर रहे हैं। तो ये एकाएक मनसा आई, कोई पहले से कोई प्लानिंग नहीं था, तो हम लोगों ने ये तय किया कि कर लेना चाहिए और हम लोगों ने आपके पास गए और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने आकर करके हम लोगों का भी मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। The new era of style begins now. This is the boldly stylish Honda Elevate. Bookings open.